हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डूइंग एक्सपेरिमेंट ऑन स्पेक्ट्रोमीटर। तो आज हम लोग स्पेक्ट्रोमीटर वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वर्नियर कैलिपर का एक्सपेरिमेंट जो यूज़ होता है वो पाइप का इनर और आउटर डायमीटर के लिए। स्क्रू गेज का एक्सपेरिमेंट हम लोग यूज़ करते हैं कि वायर का थिकनेस निकालने के लिए यूज़ करते हैं। ये स्पेक्ट्रोमीटर का एक्सपेरिमेंट है। इससे हम लोग क्या करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे कॉन्केव सर्फेस और कॉन्वेक्स सर्फेस का। ठीक है, आज स्पेक्ट्रोमीटर का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिससे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे कॉन्केव का और कॉन्वेक्स का। ठीक है, अब देखो ये स्पेक्ट्रोमीटर में क्या है, ये हमारा मेन स्केल है और ये जो आप देख रहे हो ये सर्कुलर स्केल है। सर्कुलर स्केल में कितने डिविजन्स है, 100 डिविजन्स रहते हैं। अब देखो ये हमारा मेन स्केल है, ये मेन स्केल हमारा जो रहता है वो 0 से लेके 1 सेंटीमीटर का है। ये हमारा मेन स्केल है, यहाँ से 0 से लेके 1 सेंटीमीटर है। 0 और 1 के बीच में देखो ये 10 लाइन रहेंगे और सर्कुलर स्केल में ये 0 से लेके कितने लाइन्स रहेंगे, हमारे 100 लाइन्स है। तो मेन स्केल हमारा 0 से लेके 1 सेंटीमीटर है। अब सबसे पहले हम लोग इसका लीस्ट काउंट फाइंड कर रहे हैं स्पेक्ट्रोमीटर का। इसके लिए सबसे पहले हमको पिच फाइंड करना है। तो पिच फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सर्कुलर स्केल का जो 0 रहेगा वो आपको यहाँ पर इसके मेन स्केल में ला के रखना है। तो ये देखो ये जो सर्कुलर स्केल का 0 रहेगा ये इसके मेन स्केल में ला के रखना है। अब जब 0 हम इधर लेके आएंगे तो एक कंप्लीट राउंड देना है, तो हम इसको कंप्लीट एक राउंड देंगे। तो जब एक कंप्लीट इसको राउंड देंगे तो ये मेन स्केल में 0.1 से आगे जाएगा। तो देखो ये 0 हमारा सर्कुलर स्केल है, ये हमने मेन स्केल में ला के रखा है और जब हम इसको एक कंप्लीट राउंड दे रहे, जब इसको कंप्लीट रोटेशन देके हम इसको फिर वहाँ पर ला रहे हैं 0 को, तो आप देखोगे कि ये मेन स्केल में 0.1 से आगे जाता है। तो पिच ऑफ द स्क्रू का मतलब क्या है, ये दो थ्रेड के बीच में डिस्टेंस है। तो ये जो दो थ्रेड है इसके बीच में डिस्टेंस है। तो जब हम ये 0 को, ये जो सर्कुलर स्केल का 0 है इसको जब कंप्लीट एक राउंड देंगे और तो हम देखेंगे कि ये मेन स्केल में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो आप देखोगे मेन स्केल में ये 0.1 का डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर पिच ऑफ द स्क्रू, पिच ऑफ द स्क्रू जो रहेगा हमारा वो 0.1 सेंटीमीटर रहेगा। फिर तो उसके बाद हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो ये देखो ये हमारा सर्कुलर स्केल है, सर्कुलर स्केल में कितने डिविजन्स है, 100 है। ठीक है, सर्कुलर स्केल में देखो हमारे 100 डिविजन्स है। तो ये हम लोग लिखे यहाँ पर सर्कुलर स्केल में डिविजन्स कितने हैं, यहाँ पर 100 है। इसके बाद आपको लीस्ट काउंट निकालना है। तो लीस्ट काउंट निकालने के लिए देखो पिच ऑफ द स्क्रू डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन, 0.1 को डिवाइड करना है किससे, 100 से। तो 0.1 सेंटीमीटर को जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो आंसर आपका आएगा 0.001 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको पहले ये लीस्ट काउंट निकालने आना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये स्पेक्ट्रोमीटर में जो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है वो है पिच ऑफ द स्क्रू डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स। पिच ऑफ द स्क्रू हमारा कितना आया हुआ है, 0.1 सेंटीमीटर। ये सर्कुलर स्केल में कितने डिविजन्स है, 100 है। 0.1 को जब हमने 100 से डिवाइड किया है तो इसका लीस्ट काउंट आएगा 0.001 सेंटीमीटर, राइट। अभी हम लोग रीडिंग लेने वाले हैं प्लेन सरफेस, कॉन्केव सरफेस और कॉन्वेक्स सरफेस के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग प्लेन सरफेस पे रीडिंग ले रहे हैं। तो ये देखो ये आपका प्लेन सरफेस है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये स्क्रू को पूरा ऊपर लेके जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्क्रू का टिप है इसके टिप को हम लोग इस बेस पे टच करेंगे। तो ये टच हुआ है कि नहीं वो मालूम करने के लिए हम लोग पेपर पास करते हैं। देखो पेपर पास हो रहा है इसका मतलब ये टच नहीं हुआ है। फिर स्क्रू को रोटेट करना है और आप देखो अगर ये पेपर पास नहीं होता है इसका मतलब क्या हुआ, ये टच हुआ है। अगर ये टच हुआ है तो अभी हम लोग यहाँ से मेन स्केल की रीडिंग ले रहे हैं। अब आप देखो ये मेन स्केल कितना हमारा 0 है और अब ये सर्कुलर स्केल देखो 70 है यहाँ पर। ठीक है, तो सर्कुलर स्केल हमारा 70 है, मेन स्केल देखो 0 है। तो ये रीडिंग हम पहले यहाँ पर लिख रहे हैं, मेन स्केल रीडिंग हमारा 0 है, सर्कुलर स्केल डिविजन 70 है। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे आएगी, ये 70 को मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट से 0.001 से, तो 0.0 ये 70 आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया है। अब ये सर्कुलर स्केल रीडिंग है, ये हमारी सेंटीमीटर में रहेगी। टोटल रीडिंग कैसे रहेगा आपका, MSR प्लस CSR इन दोनों को ऐड करना है तो आपका आएगा 0.070 सेंटीमीटर। तो ये हमारा फर्स्ट रीडिंग हो गया 0.07 सेंटीमीटर।
अब इसके बाद नेक्स्ट रीडिंग के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, दोबारा स्क्रू को ऊपर लेंगे, दोबारा स्क्रू को ऊपर लेंगे और इसको नीचे टच करने जाएंगे। अब ये टच हो रहा है कि नहीं, इसके लिए हम लोग पेपर पास कर रहे हैं, फिर ये स्क्रू को घुमाएंगे और देखेंगे ये टच हो रहा है कि नहीं। अगर ये टच हो रहा है मतलब ये पेपर हमारा पास नहीं होगा। अगर आपका पेपर नहीं पास हो रहा है इसका मतलब ये टच हो गया है। फिर हमको ये मेन स्केल लेना है, तो आप देखो ये मेन स्केल हमारा यहाँ पर 0 आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा सर्कुलर स्केल आया हुआ है आप देखोगे ये 71 आया हुआ है। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग हमारा 71 आया और मेन स्केल 0 आया, तो हम यहाँ पर 0 लिखेंगे, ये हम लोग 71 लिखेंगे। फिर CSR मतलब सर्कुलर स्केल रीडिंग है, 71 को मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट से, लीस्ट काउंट कितना है 0.001, तो ये आपका आएगा 0.071। MSR प्लस CSR ऐड करना है तो 0.071 आ जाएगा, ये आपका टोटल रीडिंग बनेगा। उसी तरह से अब ये थर्ड रीडिंग लेने जा रहे हैं, तो दोबारा हम इसको ऊपर यहाँ पर ले रहे हैं और इसको स्क्रू को नीचे लेंगे ताकि ये टच हो जाए। अब ये प्लेन सरफेस पे टच हुआ है कि नहीं ये फाइंड करने के लिए हम लोग इसको यहाँ पर रख दिया। अब ये टच हो गया है, तो अब आप देखो यहाँ पर जो हमारा मेन स्केल आया हुआ है ये 0 आया हुआ है और सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना आया हुआ है हमारा 75 आया हुआ है। तो मेन स्केल रीडिंग हमारा 0 है, सर्कुलर स्केल डिवीजन हमारा 75 है। तो जब 75 को हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे 0.001 से, तो ये 0.075 आएगा। फिर MSR और CSR को ऐड करेंगे तो 0.075 आएगा, ये पूरे सेंटीमीटर्स में। अब ये देखो हमारे तीन रीडिंग्स हो गए, अब हम लोग क्या करेंगे इसका एवरेज निकालेंगे। देखो तीनों रीडिंग्स हमारे अलग अलग आ गए, हमने तीन रीडिंग लिया है इसके लिए तीनों का एवरेज लेंगे। तो ये देखो 0.070 प्लस 0.071 प्लस 0.075, तो ये तीन रीडिंग को ऐड कर दिया है। अब इसको हम लोग 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आप आंसर देखो कितना आ रहा है 0.072 सेंटीमीटर। तो ये हम यहाँ पर लिख रहे हैं 0.072 सेंटीमीटर। तो ये हमारा यहाँ पर प्लेन सरफेस का रीडिंग हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, ये हमारे पास यहाँ पर मिरर है, ये कॉनकेव के ऊपर हम रीडिंग ले रहे हैं, ठीक है। तो कॉनकेव के ऊपर रीडिंग लेने की भी प्रोसीजर सेम है, आप मिरर को नीचे रखो, इसको हम लोग ऊपर लेंगे। ये जो स्क्रू है ये हमारा स्पेक्ट्रोमीटर है, इसके स्क्रू को पहले आपको ऊपर लेना है। जब आप ऊपर लोगे उसके बाद आपको ये इसको नीचे टच करना है ताकि इसका जो बेस है स्क्रू का बेस जो है वो नीचे टच करे। तो इसके लिए टच हुआ है कि नहीं इसके पास करने के लिए आप पेपर पास करोगे, फिर आप इसको जाओगे इधर, आप देखो ये पास हो रहा है पेपर। अब आप नीचे टच करोगे, अगर ये टच हो गया है इसका मतलब पेपर पास नहीं हो रहा है, अगर ये पेपर पास नहीं हो रहा है तो ये टच हो गया है। फिर आप यहाँ से रीडिंग लेंगे, तो जब आप रीडिंग ले रहे हो तो MSR आपका 0 आ रहा है। अब ये सर्कुलर स्केल रीडिंग देखो आपका कितना आ रहा है, यहाँ पर 26 आ रहा है, ठीक है। तो MSR हमारा 0 आ रहा है और सर्कुलर स्केल रीडिंग जो हमारा आ रहा है यहाँ पर ये 26 आ रहा है, तो ये मैंने 26 लिखा हुआ है। अब फिर ये 26 को हम क्या करेंगे, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.026 आ जाएगा। फिर टोटल रीडिंग करेंगे तो कितना आएगा 0.026। अब वैसे ही हम लोग सेकेंड रीडिंग लेंगे, तो सेकेंड रीडिंग लेने के लिए फिर से इसको ऊपर ले रहे हैं, फिर से इसको ऊपर ले रहे हैं और ये यहाँ पर इसको टच कर रहे हैं, ठीक है। अब जब इसको हम लोग टच कर रहे हैं तब आप देखो ये नहीं जा रहा है। अब इसकी मेन स्केल रीडिंग हम ले रहे हैं यहाँ पर, तो ये देखो ये मेन स्केल रीडिंग इसकी फिर से यहाँ पर 0 आई हुई है और ये यहाँ पर देखो यहाँ पर ये 60 है, 70, 80, 85 आया हुआ है। तो मेन स्केल रीडिंग इसका 0 आया हुआ है और ये 85 आया हुआ है, तो ये यहाँ पर 0 है और ये हमारा कितना यहाँ पर आया हुआ है 85 आया हुआ है। जब इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे 0.0 ये 85 आ गया। अब TR में हम दोनों को ऐड करेंगे 0.085 आ गया। अब तीसरे रीडिंग के लिए भी सेम करेंगे, हम लोग इसको ऊपर लेके जा रहे हैं पूरा, इसको पूरा ऊपर लेके जा रहे हैं। ऊपर लेने के बाद फिर ये स्क्रू को नीचे टच कर रहे हैं और जब इसको नीचे टच कर रहे हैं तो देखो ये पास नहीं हो रहा है पेपर। अब इसका हम रीडिंग ले रहे हैं यहाँ पर, तो ये देखो ये अभी हमारा मेन स्केल है, ये मेन स्केल हमारा यहाँ पर 0 आया हुआ है और सर्कुलर स्केल डिवीजन देखो ये हमारा यहाँ पर 38 आया हुआ है। तो ये 0 है और ये 38 है, ठीक है, ये हमारा 0 है यहाँ पर और ये हमारा 38 है।
अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये 38 को हमको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है, 0.0038 आ जाएगा। अब ये MSR और CSR को ऐड करना है, 0.038 आ जाएगा। अब इसका हम लोग एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज निकालने के लिए हम तीनों रीडिंग को ऐड करेंगे, तो 0.026 प्लस 0.085 प्लस 0.038 ये इक्वल टू कर दिया, इसको डिवाइड बाय 3 करेंगे तो ये हमारा यहाँ पर एवरेज आया हुआ है 0.049। तो 0.049 ये 49 आया हुआ है और ये हमारा यहाँ पर एवरेज आया हुआ है, ठीक है। अब ये हमारा कॉन्केव सरफेस का रीडिंग हो गया, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, कॉन्वेक्स सरफेस के ऊपर लेंगे, तो इसको यहाँ पर रखना है। अब इसके ऊपर रीडिंग लेंगे, तो दोबारा इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, अभी इसको ऊपर लेके जा रहे हैं और फिर इसको नीचे हम लोग टच कर रहे हैं, ठीक है। अब नीचे जब इसको टच कर रहे हैं तो इसको देखना है कि इसका बेस जो है वो टच हुआ है क्या, बेस टच नहीं हुआ है तो आपको फिर इसको नीचे लेके जाना है, और जब इसको नीचे लेके जा रहे हैं तब देखो ये अभी भी टच नहीं हुआ है। अगर अब ये टच हो चुका है, थोड़ा अब टच हो गया है, तो ये पिन जो है इसका पास नहीं होगा, ये पास नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इसका मेन स्केल रीडिंग देखो ये कितना आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये इसका मेन स्केल रीडिंग जो है ये फिर यहाँ पर ये 0 आया हुआ है, और इसका सर्कुलर स्केल डिवीजन है यहाँ पर ये 15 है, तो मेन स्केल हमारा 0 आया हुआ है और सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है हमारा यहाँ पर, ये 15 है। 15 अगर मल्टीप्लाई होता है लीस्ट काउंट से, 0.015 आया हुआ है, और ये MSR और CSR को हम लोग ऐड करेंगे, 0.015 आ जाएगा। अब इसके बाद सेकेंड रीडिंग लेंगे, सेकेंड के लिए फिर हम लोग इसको ऊपर लेंगे, फिर इसको ऊपर लेंगे, ऊपर लेने के बाद आप इसको दोबारा इसको टच करने जाओगे, और ये देखो ये टच हो गया है यहाँ पर। अब टच होने के बाद इसको देखना है कि पेपर पास हो रहा है क्या, पेपर अगर पास नहीं हो रहा है तो फिर इसको पेपर पास करने का ट्राई करना है, पेपर पास नहीं हो रहा है इसका मतलब ये पास नहीं हो रहा है। अब मेन स्केल देखो यहाँ पर 0 है, सर्कुलर स्केल जो हमारा यहाँ पर आ रहा है वो यहाँ पर 15, ये 17 आ रहा है, तो ये 0 आ रहा है और ये 17 आ रहा है, तो जब 17 को आप लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करोगे तो वो कितना आ जाएगा आपका, 0.017। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 0.017 आ जाएगा। थर्ड रीडिंग है, तो थर्ड रीडिंग के लिए भी आपको ऐसे ही करना है, इसको हम लोग ऐसे ऊपर लेंगे, ऊपर लेने के बाद इसको नीचे लेना है, और नीचे ये टच हुआ है कि नहीं मालूम करने के लिए हमको ये पेपर पास करना है, और अगर ये पास नहीं हो रहा है इसका मतलब ये टच हो गया है। फिर हम लोग मेन स्केल यहाँ से लेंगे, ये 0 आया हुआ है, और ये देखिए ये आपका कितना आया हुआ है इधर, ये 60, 70, 85 आया हुआ है, तो ये मेन स्केल 0 है और ये हमारा 85 आया हुआ है। 85 को जब हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारा आएगा 0.085। अब ये इसको दोनों का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.085। अब ये तीन रीडिंग आ गए, अब तीनों को हमको ऐड करके 3 से डिवाइड करना है, तो तीनों का हम ऐड कर रहे हैं 0.015 प्लस 0.017 प्लस 0.085, ये तीनों को ऐड करके हमने 3 से डिवाइड किया है तो ये 0.039 आ गया, ठीक है, 0.039 आ गया। तो इस तरह से हमारी ये तीन रीडिंग्स पूरी हो गई है। अब ये हमको क्या करना है, अब सेगमेंट ऑफ कॉन्केव सरफेस निकालना है, तो कॉन्केव सरफेस निकालने के लिए ये दोनों का डिफरेंस लेना है, तो जब हम ये दोनों का डिफरेंस लेंगे, प्लेन सरफेस रीडिंग और ये कॉन्केव सरफेस रीडिंग, तो ये हमको मिलेगा सेगमेंट ऑफ कॉन्केव सरफेस। तो इसके लिए हमको क्या करना है, ये दोनों का डिफरेंस लेना है, तो ये दोनों का हम डिफरेंस लेने जा रहे हैं, देखो 0.072 माइनस 0.049, तो इन दोनों का हम डिफरेंस लेंगे तो ये आएगा 0.023 सेंटीमीटर। तो ये फर्स्ट रीडिंग, प्लेन सरफेस रीडिंग और कॉन्केव सरफेस रीडिंग, इन दोनों का हमको डिफरेंस लेना है। अगर सही तो कॉन्वेक्स सरफेस लेना है तो हमको कॉन्वेक्स सरफेस और प्लेन सरफेस की रीडिंग, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लेन सरफेस और कॉन्वेक्स सरफेस को माइनस करेंगे, तो आप देखो यहाँ पर आएगा 0.072 माइनस 0.039, तो ये हमारा आ रहा है 0.033। तो इस तरह से ये 0.3033 सेंटीमीटर आ गया है। अब हमने कैसे निकाला हुआ है, देखो सेगमेंट ऑफ कॉन्वेक्स कॉन्केव सरफेस के लिए क्या करना है हमको,
कॉन्केव सरफेस और प्लेन सरफेस इन दोनों की डिफरेंस निकालनी है। तो ये आ गया 0.023 आ गया। और फिर सेगमेंट ऑफ कॉन्वेक्स सरफेस के लिए कॉन्वेक्स सरफेस और प्लेन सरफेस इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। जब आप कॉन्वेक्स सरफेस का ले रहे हो h2 ले रहे हो तो h2 मतलब आप हाइट ले रहे हो कॉन्वेक्स सरफेस का, तो प्लेन सरफेस माइनस कॉन्वेक्स सरफेस लेना है। और अगर आपको निकालना है हाइट ऑफ द कॉन्केव सरफेस तो प्लेन सरफेस माइनस कॉन्केव सरफेस, तो ये दोनों का आपको डिफरेंस निकालना है। तो ये h1 आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा h2 आ गया, h1 h2 हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो स्फेरोमीटर है लेग्स, इनके लेग्स के बीच में डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो लेग्स के बीच में डिस्टेंस सेम ही रहता है, तो अगर किसी को भी हम ए बोल रहे हैं, इसको ए बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, तो इनके बीच में हम डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो आप देखो ये हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पर आप देखोगे ये डिफरेंस हमारा यहाँ पर आ रहा है 1, 2, 2.5। तो हर इसका डिफरेंस देखो आप 2.5 ही आ रहा है। तो ये दोनों हर दोनों लेग के बीच में डिस्टेंस 2.5, इधर भी 2.5, इधर भी 2.5। तो आप देखोगे लेग्स के बीच में डिस्टेंस जो आ रहा है वो 2.5 आ रहा है। तो यहाँ पर भी हम 2.5 सेंटीमीटर लिखेंगे, यहाँ पर भी हम 2.5 सेंटीमीटर लिखेंगे और यहाँ पर भी 2.5 सेंटीमीटर। फिर आपको बता रहा हूँ ये तीनों लेग्स के बीच में डिस्टेंस ले रहे हैं, इसको ए बोला गया है, बी बोला गया, सी बोला, किसको भी ए बी सी बोलो, ये आपका 2.5 है, ये आपका 2.5, ये आपका 2.5 है। तो अगर तीनों 2.5 आ रहे तो हमारा एवरेज जो रहेगा वो भी 2.5 है। अगर हम तीनों 2.5 को ऐड कर रहे और तीन रीडिंग है इसको डिवाइड कर रहे 3 से, तो हमारा एवरेज जो रहेगा वो भी 2.5 सेंटीमीटर। अब हम लोग निकालेंगे रेडियस ऑफ कॉन्केव सरफेस एंड रेडियस ऑफ कॉन्वेक्स सरफेस। तो रेडियस ऑफ कॉन्केव सरफेस निकालने के लिए हमको हाइट चाहिए कॉन्केव सरफेस की। हाइट कैसे निकाला हमने, प्लेन सरफेस रीडिंग माइनस दी कॉन्केव सरफेस रीडिंग, तो इन दोनों को अगर माइनस कर दिया है तो हमको रेडिया आता है कॉन्केव सरफेस का, और प्लेन सरफेस माइनस कॉन्वेक्स सरफेस कर दिया है तो हमको रेडिया मिलेगा कॉन्वेक्स सरफेस का। तो सबसे पहले हमको एच वन चाहिए और डी स्क्वायर चाहिए। डी हमने निकाल रखा हुआ है यहाँ पर 2.5, तो 2.5 का आपको स्क्वायर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपको 2.5 का स्क्वायर लेना है, 6 को मल्टीप्लाई करना है हाइट ऑफ कॉन्केव सरफेस। तो कॉन्केव सरफेस की हाइट निकाल रखी हुई है 0.023, 0.023 यहाँ पर आएगा और इसको हमको डिवाइड करना है 2 से। फिर हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं 2.5 डी होल स्क्वायर ले, 2.5 डी होल स्क्वायर हम लोग लेंगे। तो आप देखो यहाँ पर आंसर आएगा 6.25, 2.5 होल स्क्वायर 6.25 आएगा। इसके बाद 6 को मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, 0.023 से, तो ये आंसर आएगा 0.138। तो हम नीचे इसको डिवाइड कर रहे हैं 0.138 से प्लस 0.023 डिवाइड बाय 2। अब 6.25, अगर आप 6.25 ले रहे हो, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 0.138 से, तो आप देखो 45.289 आ रहा है। इसको हम लोग 3 डिजिट में लिखेंगे 45.289। अब इसको डिवाइड करेंगे 0.023 डिवाइडेड बाय 2, तो 0.012 आ रहा है, 0.011 आ रहा है। यहाँ पर ये 3 डेसिमल में लिखेंगे 0.011। तो देखो अगर आप 6.25 को डिवाइड कर रहे हैं 0.138 में, तो इसको 3 डेसिमल में मैंने लिखा है 45.289, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट 0.001 है, यहाँ पर 0.011 आ गया। अब इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे 45.289 प्लस 0.011, तो ये आएगा 45.300। तो ये आपका फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया है 45.300। तो ये आपका फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। अब सेकेंड रेडियस ऑफ कर्वेचर जो निकाल रहे हैं वो हम लोग निकाल रहे हैं कॉन्वेक्स सरफेस का, तो उसी तरह से निकालेंगे। डी स्क्वायर आपको लेना है, डी हमारे पास है यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 स्क्वायर, 6 को h2 से मल्टीप्लाई करना है। h2 मतलब क्या, हाइट कॉन्वेक्स सरफेस का, हाइट हमने निकाला हुआ है कॉन्वेक्स सरफेस का वो 0.033 आएगा। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 0.033 आएगा प्लस 0.033 डिवाइड बाई 2। अब जब इसका हम लोग 2.5 का स्क्वायर लेंगे
ये 6.25 हो जाएगा डिवाइड बाय 6 इनटू 0.6 को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.033 से, ये 0.198 आएगा, 0.198 हो जाएगा। यहाँ पर 0.033 डिवाइड बाय 2, अब इन दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे 6.25 डिवाइड बाय 0.198 तो हमको आ रहा है 31.566 प्लस 0.033 डिवाइड बाय 2 0.0165। तो यहाँ पर तीन डेसिमल में लिख रहे हैं तो 0.016 आ रहा है। अब ये भी तीन डेसिमल में, ये भी तीन डेसिमल में, अब जब इनको हम ऐड करने जा रहे हैं 31.566 प्लस 0.016, आप देखो 31.582 सेंटीमीटर, ये हमारा सेकेंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया 31.582 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारे दो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गए, एक हमारा कॉन्केव सरफेस का आ गया, कॉन्केव सरफेस का आ गया 45.300 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स सरफेस का हमारा आ गया है 31.582 सेंटीमीटर। So I hope all of you have understood this experiment. Thank you everybody.